मैंने आपको बताई थी किताब खरीदने को, आपने खरीदी नहीं। कैसे पढ़ाई होगी? ए आर देसाई बोले थे खरीदने को, या वो नहीं मिले या और भी चीजें हैं, तो हमारी भी किताब है, हमने बताई थी खरीदने को। आप पढ़ने के सिवा देखो, अपने आप को धोखा मत दो, पढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। अगर 1,000 रुपये की किताब में मेरे को अगर कोई एक पेज भी इम्पोर्टेंट नजर आता है ना, तो मैं वो किताब अपने पास रख लेता हूँ, खरीद लेता हूँ मैं किताब। 50,000 रुपया कोचिंग में देने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप 1,000, 1,500, 2,000 की किताब खरीदिए, आपको सारा ज्ञान मिल जाएगा। सही किताब खरीदिए, गाइड वाइड नहीं कि आप कोई स्पेक्ट्रम पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है। अच्छा, आप पढ़ भी रहे हैं तो आप टॉपिक पढ़ के 3-4 टॉपिक पढ़िए, और फिर क्वेश्चन मिलाइए ना कि जो आ रहा है यूपीएससी में या बीपीएससी में, उससे बन रहा है कि नहीं। आप लोग कभी ये कोशिश ही नहीं करते हैं। जितना भी यूपीएससी में सवाल आया है जीएस का, निकालो तो हिस्ट्री कल्चर का कितना सवाल आया है, एक भी देखो तो। तुम्हारा अगर स्पेक्ट्रम से बन रहा है, बन रहा है तो फिर आप सही किताब पकड़े, नहीं बन रहा है तो फिर आप उस किताब के पीछे क्यों पड़े हैं। प्रीलिम्स की किताब है, देखो मेजर प्रॉब्लम क्या है, आपको इतना सोचना चाहिए। ऐसा थोड़ा ही है कि प्रीलिम्स के महात्मा गांधी कोई और है, मेंस के कोई और है। पढ़ाई इंटीग्रेटेड होती है ना जी। और फैक्ट के लिए आप क्यों जाते हैं कोचिंग में, क्या मिलता है आपको उससे? उसके लिए गाइड खरीद लेना, कोचिंग वाले जितना बताएंगे उससे कई गुना ज्यादा 200-250 के गाइड में मिल जाएगा। उसके लिए आप 50,000 रुपया दे के गए हैं? मैं तो सुन रहा हूँ कि कितने कितने फीस है, मेरा दिमाग खाली हो रहा है। एक एक लाख से ऊपर फीस है भाई। कहाँ से आपके माँ बाप लाते होंगे, कैसे आप यहाँ रह के फिर तैयारी करते होंगे? गाइड पढ़ पढ़ के अपने आप को धोखा दे रहे हैं आप। 2-4 साल बाद उम्र बीत जाएगी तो पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। मेरी क्लास खत्म होते होते जितने भी सवाल आए हैं यूपीएससी में, सारे के सारे बनने चाहिए। मैं कुछ रेयर क्वेश्चन की नहीं बोल, मगर 10 सवाल आ रहा है तो 10 सवाल में से 8 सवाल बनना चाहिए, तो नहीं तो समझिएगा मैं उल्टा सीधा हवाबाजी करके निकल गया। फिर इतना कितना कॉमन सेंस रखिए आप। मैं ये मान के चला था कि आधुनिक भारत सारे बच्चे पढ़ते हैं और उनको सब कुछ पता है। अगर आप आधुनिक भारत ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं, आप ऐसे भी नहीं लिख पाइएगा और आगे की चीज तो बिल्कुल नहीं लिख पाइएगा। सारी समस्याओं की जड़ पीछे होती है। डॉक्टर के पास भी जाइएगा ना, तो आपका पिछला इतिहास ही पूछेगा, और तुम्हारे माँ बाप क्यों था बचपन से, यह था बिना बैक के रेफरेंस के यार प्रेजेंट को तुम एनालाइज नहीं कर सकते हो। भगवान बुद्ध क्यों पैदा हुए, एक फैक्ट है। भगवान बुद्ध क्यों पैदा हुए, आज कोई क्यों नहीं पैदा हो रहा, ये एनालिसिस है ना। ये सीखने जाते हो कोचिंग में तो ये सीखो। भगवान बुद्ध का सामाजिक दर्शन क्या था, देखो कोई एक लाइन नहीं बता पाएगा। कल बेटा ऐसे बच्चों, देखो तुम लोग तब 2-3-4 दिन क्लास मिस कर गए हो। मैंने कल बहुत सारी चीज बता दी थी, आधुनिक भारत का पूरा कंसेप्ट बताया था मैंने, कि आधुनिक भारत में क्या क्या चीजें आधुनिक हैं, उनको आधुनिक क्यों बोलते हैं, और अंग्रेज यहाँ क्या कर रहे थे। हाँ, आज मैं कुछ और बताता हूँ फिर। चलो इसको आप दूसरे ढंग से समझो। देखो इस यहाँ पे बनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, ये एकाधिकारवादी कंपनी है। एकाधिकारवादी कंपनी कहने का मतलब है कि अपने देश के सारे कंपटीटर को हटा दिया इसने, कि अब अगर कोई भारत से व्यापार करेगा तो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाया जा सके। और इसी तरह की हर कंट्री में मोनोपोलिस्टिक कंपनियां बनी हैं। ये सब भारत में आके एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करेंगी। क्यों करेंगी? क्योंकि इनको अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। अगर 4 कंपनियां हैं सामने, उनके भारत के लोग बेच रहे हैं, तो हर कंपनी थोड़ा कम कीमत देगी कि लाओ मेरे को दे दो, या ज्यादा कीमत देगी। कम कीमत पे तो कोई देगा ही नहीं, तो जो ज्यादा कीमत देगा भारतीय कारीगर उसी को बेचेगा। तो इसमें भारतीय कारीगरों को बहुत प्रॉफिट हुआ इस पीरियड में, 1600 AD से 1600 सॉरी 1757 तक, है ना। इस समय ये लोग करते क्या थे, भारत के सामान को खरीदते थे, भारत के सामान को खरीदते थे और बाहर में बेचते थे। भारत में किन सामानों का उत्पादन होता था? हाँ, बहुत सारे मेटल की चीजें, कारीगरी। भारतीय इस्पात के बिना तो यूरोप में युद्ध नहीं लड़ा जाता था, इतना स्ट्रांग इस्पात बनता था यहाँ। बाहुबली देखा है ना, तो भारतीय इस्पात की पूरे दुनिया में मांग थी। और भी कारीगरी के मतलब सैकड़ों ऐसी चीजें थी जिसका प्रोडक्शन यहाँ होता था। यहाँ के खरीदार कौन थे, यहाँ के देसी जो अपने राजे महाराजे नवाब जो थे ना, और उनके दरबारों में जो अभिजात वर्ग था, इलीट क्लास, वो इसका खरीदार था। ढाका का मलमल फेमस था, है ना। तो ये लोग व्यापार करते किस में थे, हमसे सामान खरीदते थे, तो
तो सोना चांदी देते थे बदले में, और इसको ले जाके दूसरे कंट्री में बेचते थे हाई प्रॉफिट पे। भाई वहां भी जो खरीदेगा वो उच्च तबका ही होगा, साधारण आदमी तो खरीदेगा नहीं, तो यहाँ भी उच्च तबके के लिए हो रहा है उत्पादन और वहां भी खरीदार वही है। तो बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। हर दो देश आर्थिक विकास के समान स्तर पे नहीं होता है। चाइना अभी अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, किसको सामान बेच रहा है? हम ही लोग को सामान आके बेच रहा है, पर हम लोग भी तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर ब्रिटेन में ही सबसे ज्यादा आर्थिक विकास हो रहा है, वहीं के जो व्यापारी है ना वो निकल रहे हैं बाहर, इटली खत्म हो रहा है, उस इटली इटली के सत्ता को, व्यापारी के एकाधिकार को तोड़ने के लिए तो नए रास्ते की खोज हुई है, तो इटली अब खत्म, पश्चिमी यूरोप आगे निकल रहा है। और अपने देश में मान लो ब्रिटेन में सामंती शासन कमजोर पड़ा, पर फ्रांस में तो पूरी ताकत से जमा हुआ है, और उससे भी ज्यादा ताकत से जर्मनी में जमा हुआ है, तो वहां बेचेंगे, अपने देश के भी कुछ लोग खरीदेंगे। देखो अगर कोई एक सिस्टम आता है ना तो उसके पहले वाला सिस्टम खत्म नहीं होता है, चलता रहता है। जैसे आप लोग देखो ब्रिटिश कंपनियां जो हैं उनको स्टेट प्रोटेक्शन मिलता था, फ्रांसीसी कंपनियों को भी मिलता था, लेकिन फ्रांस में अभी सामंतवाद हावी है। अभी देखो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति होगी, है ना, बहुत बहुत कई बार युद्ध होगा इनके बीच। फ्रांस में अभी सामंती सिस्टम और ज्यादा, और जर्मनी तो एकदम अंधकार के युग में चल रहा है अभी। तो इन्हीं जगहों पे जाके बेचते थे, तो इसलिए हम लोगों को ना हर समय देखिए कि फाइनली युद्ध में ब्रिटेन ही जीतेगा, दो चार युद्ध भले ही हार जाए पर फाइनली वही जीतेगा, क्योंकि उसी के पास आधुनिक चीजें आई हुई हैं, उन्हीं के पास ऑर्गेनाइजेशन है। जब राष्ट्रवाद पूरी तरह से आएगा तभी वो देश के आर्थिक हित समाहित हो समन्वित होते हैं एक दूसरे में। तो ये ब्रिटेन में आया है, मैंने पहले पढ़ाया ना आप लोगों को कि राष्ट्रवाद का उदय सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ, क्योंकि ब्रिटेन कॉन्टिनेंट से थोड़ा सा अलग है, माने यूरोप के लैंड से थोड़ा अलग है। तो वहां पे जो है ना आर्थिक विकास तेजी में हुआ, तो आर्थिक विकास तेजी में होगा तो वहां राष्ट्रवाद भी पहले आएगा, तो वही के मध्यम वर्ग ने सामंतों से अधिकार छीन के अपनी सत्ता की स्थापना की है। पर अभी भी वहां राजा है, और वहां भी ये रिलेटिव टर्म है। देखो भारत में आधुनिक युग हम लोग बोलते हैं कि भाई जब से आजाद हुआ तब से तो भारत मॉडर्न ही है, पर 50 साल पहले वाला भारत और आज के भारत में अंतर है ना, तो यहां भी आ चुकी है पर अभी आज के दौर में सोचेगा तो अंतर है। अभी सामंती सिस्टम वहां भी है, ठीक है? अब ट्रैक्टर आने से ऐसा थोड़ी कि हल बैल खत्म हो गया, वो भी चल रहा है, पर धीरे धीरे आप देखिएगा कि एक समय आएगा जब ट्रैक्टर बढ़ते 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 सब कुछ खत्म करेगा। तो वहां भी ऐसे ही चल रहा है कि सामंतवाद खत्म हुआ लेकिन अभी उसकी छाप मौजूद है। हमारे यहां भी तो सामंतवाद खत्म हुआ, पर नहीं, सुनो सुनो मैं बता रहा हूं, देखो सामंतवाद खत्म हुआ लेकिन अभी भी आप जाइए मिनिस्ट्री में, अभी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को महाराज सिंधिया बोलते हैं। कहाँ के महाराज? अभी तो कब के खत्म हो गए, ठीक है? ऐतिहासिक प्रक्रिया जो है, जो चलती है, जो हर कंट्री में चली है, वो भारत में भी चल रही थी। देखो होता क्या है, पहले आर्थिक पतन होता है, ठीक है? आर्थिक पतन जो है वो नैतिक पतन को ले जाएगा, आर्थिक पतन के साथ ही सैनिक पतन होगा, और ये दोनों मिलके नैतिक पतन की ओर ले जाएंगे। जब नैतिक पतन होगा ना तो उसका राजपाट छिन जाएगा, और उसके 50 साल 60 साल बाद उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा खत्म होगी। ये प्रक्रिया होती है पूरी दुनिया के में, राजाओं महाराजाओं के या साम्राज्यों का पतन आप देखेंगे तो यही प्रक्रिया नजर आएगी, एक्सेप्ट पूरी दुनिया में एक्सेप्ट मौर्य, मौर्य के पास सब कुछ था, डायरेक्ट पॉलिटिकल पतन हुआ है उनका, ठीक है? कहीं किसी स्तर पे आपको उनका आर्थिक पतन नहीं दिखेगा, सीधा एक बैक राजनीतिक पतन हुआ है। पर दुनिया में ऐसा एग्जाम्पल और कहीं नहीं है, ठीक है? देखो क्या हुआ, याद करो औरंगजेब का पीरियड, आप किताबों में पढ़े होंगे कि औरंगजेब बहुत परेशान रहता था कि बंगाल से कैश आए तो हम अपने आर्मी को सैलरी दें, ठीक है? औरंगजेब बंगाल में बैठा, ये सिंध में बैठा हुआ था, तो जो वोहरा मर्चेंट हैं सब सिंध में बैठा हुआ था, तो वहां टैक्स बढ़ाने को अनाउंस किया कि हम चाहते हैं कि टैक्स बढ़ाएं, हम लोग बहुत परेशानी में हैं। तो वोहरा मर्चेंट ने कुछ बोला नहीं, एक
निकाल के कागज पकड़ा दिया। तो राजा का बादशाह का दरबार बोला पढ़ो इसको। पढ़ा तो दिख रहा कि कितना कर्ज जो है जहांगीर ने लिया, कितना शाहजहां ने लिया। तो बोला चुप 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 छोड़ दो यार, नहीं बढ़ाएंगे टैक्स। ये क्या बता रहा है कि राजाओं के पास आर्थिक शक्ति खत्म हो रही है, ठीक है, आर्थिक रूप से वो कमजोर पड़ रहे हैं। जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ तो आप देखिएगा कि लड़ाई तो जो है सत्ता छीनने की कोशिश कर रहा है मीर जाफर, वो बीच में जगत सेठ क्या कर रहा है, तो जगत सेठ का क्या काम आ गया बीच में, यानी मीर जाफर के पास भी पैसा नहीं है, बिना पैसे के युद्ध नहीं होगा। अमेरिका पीछे हट जाए तो जेलेंस्की के पास कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना। हाँ, तो पैसे भाई, अगर आप विद्रोह करने जा रहे हैं तो कम से कम 2-4 हजार, 5 हजार तो अपने आदमी इकट्ठे करने पड़ेंगे, उनको पैसा देके पटाना पड़ेगा, उनको 2-4 महीने की सैलरी का पैसा कहाँ से आएगा। वो तो उसके लिए बिगेस्ट बैंकर है वहां जगत सेठ, और जगत सेठ कोई मामूली आदमी नहीं है, वो बताएंगे कभी इतिहास, बहुत ही बड़ा आदमी है। तो ये क्या बता रहा है कि राजाओं की यानी सामंतों की, सुल्तानों की शक्ति खत्म हो रही, आर्थिक पतन हो रहा है। अब ये आर्थिक पतन के बाद देखोगे उनका नैतिक पतन होगा। याद करो कितना भ्रष्टाचार बढ़ गया था लास्ट में, ये मुगल मनसबदार भ्रष्टाचार कर रहे थे। ये क्या हो रहा है, नैतिक पतन हो रहा है अब, कि उनको अब सीधे रास्ते पैसा मिल ही नहीं रहा है, वो घुड़सवारों को सैलरी देने के पोजीशन में नहीं है वो, ठीक है ना। तो लूट खसोट मच गई, ठीक है, मुगल सत्ता बिखरी, उनके मनसबदार या उनके ऑफिसर जगह जगह पे हैं, यानी मुगल की प्रतिष्ठा खत्म हो गई है, मुगल की सत्ता टूटी, पॉलिटिकल डिक्लाइन हो गया, डिक्लाइन हट के डिसेंट्रलाइजेशन आया। ये हर जगह की प्रक्रिया में होता है, पतन की प्रक्रिया में होता है। जैसे ही केंद्रीय सत्ता कमजोर होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस बाहर निकलती हैं, ठीक है ना। तो यहां भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस बाहर निकली हुई हैं, नवाब की अपनी कोई प्रतिष्ठा नहीं हो तो मुगल के तरफ से रूल कर रहा है, मुगल मुहर से ही उसकी सत्ता चल रही है, ठीक है ना, प्रतिष्ठा मुगलों की है। अब क्या हुआ कि ये देखो, ये ऐतिहासिक प्रक्रिया में सामंतवाद का पतन हो रहा है, ऐसे ही हर जगह हुआ है पूरे यूरोप में, ठीक है। पर हुआ क्या, अंग्रेजों ने अपनी ताकत लगाई और वापस सामंतवाद को यहां पे बैठा दिया। अगर अंग्रेज नहीं आते तो क्या होता, मीर जाफर भी खत्म हो जाता, ठीक है, मीर जाफर भी खत्म होता, फिर जगत सेठ और पूरी ताकत से आ गया था। जगत सेठ बैंकर है, वो अर्थव्यवस्था का संचालक है। अब मध्यम वर्ग का उदय होता, और ये मध्यम वर्ग सारे सामंती विशेषाधिकारों को तोड़ देता। पर यहां हो गया उल्टा, यहां सामंतवाद अपने ऐतिहासिक क्रम में पतन की ओर जा रहा था, पर अंग्रेज और पूरी ताकत से उनको वापस बिठा दिया, तो हमारे यहाँ का सिस्टम हौच पौच हो गया। हुआ क्या कि सामंतों का आर्थिक शक्ति चली गई, सामंतों की राजनीतिक शक्ति चली गई, लेकिन सामाजिक शक्ति नहीं गई। ये बहुत बड़ी चीज होती है, मैंने आपको सामाजिक पूंजी बताया था। सामाजिक प्रतिष्ठा इतनी बड़ी चीज होती है, इतनी बड़ी चीज होती है कि आप अंदाज नहीं लगा सकते। तो यहां सामाजिक प्रतिष्ठा बनी रही, ठीक है। देखो पहले जरा ये भी देखो कि भारत में अंग्रेजों के आने के पहले अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है, तभी आपको आगे की चीज समझ। देखो भारत ना उस समय गांवों का देश था, चारों तरफ गांव बिखरे हुए हैं, ठीक है ना, और बीच बीच में कस्बे हैं। जो कस्बा भी देखते हो ना, वो आधुनिक युग से पहले कस्बा जो है प्रशासनिक सेंटर का काम करता था। कस्बे में छोटा सामंत बैठता था, और गांव वाले वहां आके, बब कस्बे में जो बैठे हुए हो तो खुद तो प्रोडक्शन कर नहीं, तो गांव वाले वहां के अपना अनाज बेचते थे, सामान बेचते थे, और कहीं चोर उचक्के, कहीं डाकू वाकू आ गए तो वो उनको प्रोटेक्शन भी वहीं मिलता था, क्योंकि कस्बे में चार दीवारी होती थी, ठीक है ना। तो बहुत सारे कस्बे छोटे छोटे थे, कुछ बड़े बड़े थे। जो बड़े कस्बे थे वही शहरों का रूप ले चुके थे, ठीक है। जैसे दिल्ली है आपका, बहुत बड़ा प्रशासनिक सेंटर बना, पर आज की दिल्ली जैसा नहीं है, उस समय 1 लाख के आसपास पॉपुलेशन था वहां, ठीक है। तो बड़े बड़े प्रशासनिक सेंटर बने। अब देखो जो हैंडीक्राफ्ट भारत का जो फेमस है पूरी दुनिया में, वो शहरों के कारण है।
यहां पे हाईएस्ट हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट तैयार होते थे, ठीक है ना? आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कितने हाईएस्ट क्वालिटी के थे। 1997 में मैं अपने कैंपस से बाहर ही आया था, कुछ नए बच्चे, उस समय तो बहुत कम लोग आते थे पढ़ने बाहर के, पर कुछ बच्चे आए हुए थे हमारे वहाँ यूनिवर्सिटी में। मैं अपने बच्चों को मैंने उन सबों को मैं दिखाने ले गया था, उस समय मुगल पेंटिंग आई थी, यहाँ नेशनल आर्काइव्स में रखा गया था। तो जैसे ये मान लो इतना बड़ा कागज है, इसी पे पेंटिंग है, तो इसको एक टीवी जितना बड़ा बड़ा कागज का पेंटिंग था, इसको यहाँ से साटा गया था और उसके ऊपर बाहर जाली लगाई गई थी, शीशा लगाया गया था। आप उसको देखिए, आप ऐसे ओपन आंख से देखिएगा ना, तो ये पेंटिंग है, ऐसी दिखेगी, आपको लगेगा कि ये क्या है, इसमें खासियत है। खासियत तब नजर आएगी जब मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के इसको देखिएगा, ठीक है? ये मुगल पेंटिंग, मैग्नीफाइंग ग्लास में आपको जैसे ये फूल बना हुआ है ना, आपको एक एक पत्ता नजर आएगा, ठीक है ना? इस गाय की एक 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 आंख के एक एक बाल, एक एक नसें नजर आएंगी, सब कुछ, ये कपड़ा कैसे बना हुआ, एक एक रेशा इसका नजर आएगा, मैग्नीफाइंग ग्लास लगाइएगा। सैकड़ों की संख्या में लोग पेंटिंग सीखते थे या आर्ट सीखते थे, उसमें से मैक्सिमम पागल हो जाते थे, इतनी ज्यादा प्रेशर पड़ती थी। एक चावल के दाने पे, यहाँ 62, एक चावल के दाने पे 8 घुड़सवार बने हुए हैं, और मैग्नीफाइंग ग्लास लगा हो तो एक 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 घोड़ा पूरा क्लियरली नजर आएगा, घोड़े की आंख बाल सब, पूरे आयाल सब नजर आएंगे, उस पे बैठा हुआ आदमी कौन सा कपड़ा पहना, उसकी तलवार सब कुछ नजर आएगी, कैसे बनाता होगा। तो ये बहुत कुछ तरह की कारीगरी थी। ये क्या होता है कि जाति व्यवसाय पर आधारित जाति व्यवस्था थी, तो थ्रू जाति व्यवस्था लगातार वो सीखते चले गए। भारत का लोहार जो तैयार करता था लोहा, उसकी बराबरी कोई नहीं कर पाता था। ये देखो राजा महाराजा के तलवारों पे जो नक्काशी होती थी, ये पूरा पंजाब सिंध कच्छ इसमें ये चलता था। पूरे सारे राजे महाराजे वहीं के तलवार और ढाल ये सब यूज करते थे। युद्ध के मैदान में तुमको किसी सामंत का तलवार और ढाल मिल जाए ना, उसी में लाखपति हो जाएगा, इतनी महंगी होती थी। तो ये हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट यहाँ बनता था। इसके विपरीत लाखों की संख्या में गांव बिखरे पड़े हैं, ठीक है? ये गांव सेल्फ सफिशियंट हैं, इनको बाहर की दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, एंड दे आर ऑल्सो आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर, और ये एक दूसरे से कटे हुए हैं, आत्मनिर्भर ग्रामीण समुदाय है और एक दूसरे से कटा हुआ है, पृथक है। आत्मनिर्भर इसलिए है क्योंकि एक गांव में उस व्यवसाय से संबंधित सारी जातियां रहती थीं जो गांव की जरूरतों की पूर्ति करती थी। कोई वैसा आदमी नहीं था जिसके पास जमीन नहीं होगी, सबके पास जमीन थी क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम था। मान लो जैसे एक बढ़ई है, इवन एक बढ़ई है या लोहार है या बुनकर है, सबके पास खेत है, वो अपना खेती कर रहा है और खाली समय में आके अपना बुनाई का काम कर रहा है या लकड़ी का काम कर रहा है या लोहे का काम कर रहा है, इवन जूता बनाने का, चमार जैसे जूता बनाने का काम कर रहा है। गांव की जरूरत की पूर्ति के लिए सब किया जाता था, कैश का रोटेशन नहीं होता था। आप बहुत पिछड़े गांव में चले जाइएगा, मेरे हिसाब से अब उस तरह के गांव हैं नहीं, क्योंकि हर जगह ना मुद्रा अर्थव्यवस्था का प्रचलन हो गया है। पहले क्या होता था ना, एक वर्ड सुनिएगा, जजमानी सिस्टम, उसमें आदान प्रदान होता था वस्तुओं का, वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता था, कैश का नहीं होता था। मान लीजिए आपको बढ़ई ने कुछ दे दिया है सामान, आपसे पैसा नहीं लेगा, इवन आपके घर अगर कोई कार्यक्रम होगा जैसे शादी विवाह या कुछ भी, बढ़ई आके अपना काम कर जाएगा, लोहार आके अपना काम कर जाएगा, धोबी आके अपना काम कर जाएगा, कोई पैसा नहीं लेगा, जब आपका अनाज कटेगा तो फिर आ जाएंगे वो। तो ये जजमानी सिस्टम, ये इससे चलता था, यानी गांवों में अर्थव्यवस्था का प्रचलन नहीं था। टोटल आत्मनिर्भर है, इनको कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है? इसमें जो है, अच्छा, जब ये गांव टोटल आत्मनिर्भर है तो इसका इस गांव से कैसे संबंध होगा?
कोई संबंध नहीं हुआ, इसलिए आइसोलेटेड है एक दूसरे से। संबंध का दो ही रास्ता है, या तो इससे इधर आपस में शादी विवाह हो जाए तो आना जाना होगा, सड़कें थी नहीं जब आत्मनिर्भर हैं, जिनको कहीं बाहर निकलना ही नहीं, तो इसलिए सड़कों का विकास ही नहीं हुआ। ठीक है, कीचड़ से भरी सड़कें, मिट्टी की इधर उधर से पगडंडी जाती थी। ग्रामीण व्यवस्था में अपना जो बैलगाड़ी है ना, हजारों साल से अनवरत चल रहा है। अब बैलगाड़ी भी सबके पास नहीं है। मूल जानते हो तुम लोग, मूल घोड़ा और गधे का मिक्सचर होता है, खच्चर बोलते हैं इसको। उस पे सामान लाद दो, दोनों तरफ ऐसे लटका कर, वो अपना अनवरत चलता चला जा रहा है। ठीक है ना, ये भारत की व्यवस्था थी। और या तो एक रास्ता होगा कि शादी विवाह हो जाए, तब एक दूसरे के यहाँ आना जाना होगा, एक गांव का दूसरे गांव में, या हर 15 दिन या महीने भर में 10-15 गांवों का सामान एक जगह आता है, जिसको हाट बोलते हैं हम लोग देसी भाषा में, या समाज शास्त्र की भाषा में हाट बोलते हैं। तब पता चलेगा कि अच्छा, ये वाला इस गांव से आया, यहाँ से 10 किलोमीटर दक्षिण में है, ये वाला यहाँ से आया, यहाँ से 10 किलोमीटर उत्तर की तरफ है। ये होता था। ठीक है, आत्मनिर्भर ग्रामीण समुदाय बहुत ही खतरनाक चीज होता है, दिमाग बंद कर देगा। एक आदमी जहां जिएगा वहीं मरेगा। माने आपको बाहरी दुनिया से कट जाइएगा, पूरे गांव में निराशावादी वातावरण आ जाएगा। आदमी टैक्स देके अपना भजन करता रहेगा, अपना उधर वाली स्थिति, ऊपर वाली स्थिति सुधारने का प्रयास करेगा। पिछले जन्म के पूरा टोटल जीरो, आप उस समय की कल्पना नहीं कर सकते हैं। कोई भी वैसा चीज देखो, दो दो प्रॉब्लम खड़ा है यहाँ पे। एक तो बाहर नहीं निकलने एक चीज हो गया, अगर वो चाहे भी कुछ अपना बुद्धि दौड़ाए तो दौड़ाएगा कौन? हर का जाति आधार पे पेशा है। आपने नाम सुना होगा मुगल पेंटर जसवंत, ये कहार था, मतलब पलकी उठाने वाला। कैसे इसको काम मिल गया? ये जातीय पेशा छोड़ के पेंटर कैसे बना? क्योंकि जब इस्लामिक आर्मी आई तो उसने जाति व्यवस्था को ध्यान नहीं दिया। इसलिए आपका हेमू, हेमी तो बिजनेसमैन था, बनिया था, कैसे तलवार उठा लिया? किसी न किसी मुस्लिम रूलर के यहाँ बैठा हुआ है। अगर ब्राह्मणकल व्यवस्था में रहेगा तो उसको तलवार उठाने का राइट नहीं है। यानी जातीय जो कर्म का भाव है ना, वो आपको किसी भी तरह का इंसेंटिव यानी पहल करने के लिए, इनिशिएटिव लेने के लिए रोक देगा। ठीक है ना, ये आपका काम नहीं है, हटाइए, ऐसा हो जाएगा। तो आदमी जानेगा भी ना कुछ कि हम इसको सुधार सकते हैं, फिर भी वो चुप रहेगा, भाई तो मेरा जाति का काम नहीं है, हम कैसे करें इसको। ठीक है ना, तो जातीय मैंने कोई किसी भी प्रकार की पहल करने की गुंजाइश नहीं होती है जात स्तरीकृत जातीय व्यवस्था में। दूसरा कि भारत में आशावादी फिलोसफर इक्के दुक्के हुए हैं, एक ही चरवाक साहब हैं जो आशावादी फिलोसफर है, जो मैक्सिमम निराशावादी रहे हैं। यहाँ की भौतिक स्थिति सुधारने की, इस जीवन की भौतिक स्थिति सुधारने का प्रयास कोई नहीं करता है। इस जन्म मरने के बाद हमें स्वर्ग मिले और अगले में अच्छा जन्म में हो। देखो कितना अजीब सा एनोमली है कि पिछले जन्म के अनदेखे कर्मों पे अगले जन्म का भविष्य निर्धारित कर रहे हो। कोई इसमें दिमाग भी नहीं लगाता है। आम आदमी इसमें इतना दब्बू और इतना वो बन गया कि मानसिकता में बैठ गए कि हाँ ये सब कुछ सही है। आदमी ने मान लिया कि हाँ जाति व्यवस्था जो है ना बिल्कुल सही है, भगवान का बनाया हुआ है। दिमाग ही बंद हो गया बेचारे का, है ना, संस्थागत रूप ले लेता है। तो उसी के खिलाफ तो हुआ था, आया ना, आया ना, तो आया ना प्रभाव। जब तक बौद्ध धर्म, जब तक बौद्ध रहेंगे, जब तक भगवान बुद्ध रहेंगे और उनका रिलीजन रहेगा, यानी 3rd सेंचुरी AD तक या एटलीस्ट 2nd सेंचुरी AD तक, तो इन रूढ़िवादिताओं को रोके रहेंगे। पर बौद्ध धर्म का पतन हो चुका है। ये जितनी खतरनाक व्यवस्था है सब 7वीं और 8वीं शताब्दी AD में आ रही है, मानो उनके 500 साल बाद। ठीक है, आप देखिए ना कि जितनी भी आपके साइंस टेक्नोलॉजी और दर्शन का विकास हो रहा है, सब 3rd सेंचुरी की पहले पहले हो रहा है, या मैक्सिमम 4th सेंचुरी, इसके आगे कुछ नहीं होगा। फिर टोटल फिर धीरे धीरे हावी होता जाएगा। तो हमारे यहां भी ऐसा ही हुआ, हर जगह ऐसा ही हुआ, पूरी दुनिया में ऐसा ही हुआ। देखो अगर मैं पढ़ा रहा हूं आपको, मैं सब कुछ सही से एनालिसिस कर रहा हूं, तो आप कहीं प्रोफेसर बनेंगे तो मेरी छाप जरूर आपके पढ़ाई पे आएगी। पर आपका अपना भी तो व्यक्तित्व है,
ठीक है। भगवान बुद्ध जहां सीख रहे थे वो उपनिषद की टीचिंग सीख रहे थे, ठीक है। उपनिषद क्या है? पेसिमिस्टिक वे ऑफ लाइफ है, ठीक है ना। पर उसके बाद वो हट के उसको दूसरे ढंग से एक्सप्लेन करना शुरू किए। भगवान बुद्ध जब तक जिंदा रहे तब तक अपने सारे प्रॉब्लम को रोके रहे। आप जैसे बता रहे हैं कि पिछले जन्म का कर्म और वगैरह, उनसे कोई पूछता था कि कर्म का सिद्धांत पे तो चुप्पी लगा जाते थे। अब उनकी पर्सनालिटी इतने स्ट्रांग थी कि उनके जीवन काल तक बातें दबी रहीं, पर उनके मरने के 100-200 साल बाद इसी आधार पे देखो डिवीजन होने लगा, ठीक है ना। जितने भी आप देखेंगे, ये जो पहले हीनयान आया था ना जी, नहीं वो तो बहुत बाद में आएगा। देखो हीनयान में तुमको आएगा सौतांत्रिक, सौतांत्रिक, समित्या, सर्वस्तिवाद, फिर उसके बाद आएगा यहाँ महायान। महायान ब्रॉड में फिर डिवीजन हो जाएगा इसका, जो आप बोलते हैं विज्ञानवादी, मतलब एक नागार्जुन वाला और एक असंग वाला, है ना। ये देखो ये इसका ये इतने डिवीजन कैसे हुए हैं? सब भगवान बुद्ध के कारण हुए हैं। कभी बौद्ध मठ में गए हो? जाके देखना, ये विपस्सना मेडिटेशन सेंटर है, सब बौद्ध मठ बौद्ध के ही अनुसार चलते हैं। इसमें जाके 8-9 दिन का जरा बैठ के देखो क्या होता है। भगवान बुद्ध क्या बोलते थे? दिन भर में एक बार खाना है, ठीक है, दिन में खा लिए, उसके बाद नो सॉलिड मील इन द इवनिंग, पूरा पेट खाली रहेगा। मेडिटेशन एक टेक्निक है, और अगर ये पेट भरा रहेगा तो आप मेडिटेशन नहीं लगा पाएंगे, और अगर पेट खाली रहेगा तो फिर अनकॉन्शियस माइंड में भूख आने लगेगा कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी है ये, वो आपके बस में नहीं है, ठीक है। तो जो बहुत ही टेक्निकल चीज है ये, तो भगवान बुद्ध एकदम सुबह 4-4:15 बजे उठा देते थे, फिर मेडिटेशन बैठा देते 6 सुबह 6 बजे तक, पेट खाली रहता है। अब जब ये डिवीजन हुए, इसमें से एक ग्रुप है जो बोल रहा है कि नहीं, भगवान बुद्ध जो है ना, जब पहला भाषण दिए थे वहां सारनाथ में, उसके बाद भी एक और भाषण दिए थे राजगृह में, वहां बोले थे कि शाम को तुम लोग कुछ खा सकते हो, ठीक है, या कुछ नहीं तो कम से कम मिठाई रसगुल्ले खा सकते हो। अब उस आधार पर देखो डिवीजन हो रहा है। किसी ने कहा कि भगवान बुद्ध से जब भी पूछा जाता था कर्म कर्म के सिद्धांत के विषय में तो चुप हो जाते थे, तो एक ने बोला कि उनकी चुप्पी का अर्थ वो मानते थे, एक ग्रुप बोल रहा है उनकी चुप्पी करता हूं नहीं मानते थे। इस पे दो डिवीजन हो गया। भगवान बुद्ध जहां जहां चुप रहे थे भाई, उनके जीवन काल में कुछ नहीं हुआ, पर उसके बाद होने लगा, ठीक है ना। फिर आप ही के इलाके में बिहार में तो आया है वज्रयान, भगवान बुद्ध क्या उपदेश दिए थे और कहां से कहां चले गए? तो ये रिलीजन क्या होता है? देखो रिलीजन हमेशा अर्थव्यवस्था से ही प्रभावित होता है। जैसी अर्थव्यवस्था होगी वैसा रिलीजन होगा। रिलीजन का क्या काम है? देखो अर्थव्यवस्था अगर बदली तो उससे समाज बदलेगा। अब समाज में नई प्रकार की जरूरतें आ जाएंगी, उनकी पूर्ति के लिए नए प्रकार के देवी देवता का उदय होगा। जरा तुम सोच के देखो, प्रीलिम्स के दौरान तुम लोग ये सब ऋग्वेदिक और ये सब पढ़े होगे कुछ, ऋग्वेद में या वैदिक पीरियड में कौन कौन से देवता है? इंद्र है, वरुण है, अग्नि है, नसात्य है ना जी, और सोम, जितने भी हैं उसमें से देवियां क्या हैं? माइनर। क्या क्यों हुआ ऐसा? नोमैडिक सोसाइटी है जिसमें मेल डोमिनेशन है, तो नोमैडिक सोसाइटी में मेल डोमिनेशन ही होता है। तो अगर पुरुष प्रधान समाज है तो रिलीजन में भी देवता होंगे, देवियां नहीं रहेंगी, तो वो पुरुष प्रधान हो गया, है ना जी। बिल्कुल एकदम वो लोग अभी अंधकार में हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, इधर उधर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अनाज के नाम पे सिर्फ जौ उपजा रहे हैं, और जौ उपजाने के लिए कोई ज्यादा एग्रीकल्चरल टेक्निक की जरूरत नहीं है। तुम देखते ना दुर्गा पूजा में, ऐसे फेंक दो 9 दिन में इतना बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। उसी से वो काम चला रहे हैं, तो इसलिए उनके पास क्या बोलते हैं, जो प्रकृति की ताकतें हैं उनसे, उनके विषय में सोचने का, उन पे गौर करने का, उनकी एनालिसिस करने का टाइम ही नहीं है। मजदूर कभी अपने लिए थोड़ी सोच पाता है कि हमारे लिए सामाजिक न्याय क्या है। बेचारा दिन रात काम कर रहा है, उसके विषय में कौन सोचेगा? आप सोचिएगा, आपका पेट भरा हुआ है, वो नहीं सोच पाएगा अपने लिए,
ठीक है ना। तो अभी इनका पेट ही नहीं भरा, बेचारे दिन रात परेशान है, फिलॉसफी आएगी ही नहीं। ठीक है, देखो ऋग्वेदिक पीरियड में ये हैं देवता, ऋग्वेदिक पीरियड में वर्ण है, लेकिन इंटरचेंज ऑफ वर्ण वाज पॉसिबल, कोई किसी वर्ण में घुस सकता था। वैश्य का काम है अगर पशुपालन, उसका मन नहीं लगा, तलवार उठा ले तो क्षत्रिय बन गया। एक ही परिवार में तीनों वर्ण रह सकते हैं, अगर फादर मान लो पशुपालन कर रहा हो सकता है, एक पुत्र उसका हथियार उठा ले, एक पुत्र उपदेश देने बैठ जाए। ठीक है, तो मोर और लेस क्या है, समानता पे आधारित है। ज्यादा से ज्यादा देखो घुमंतू समाज में कोई ये हो सकता है कि किसी के पास अगर चार गाय है तो किसी के पास 10 होगा, इससे ज्यादा अगर रखोगे तो सेवा ही नहीं कर पाए, गाय को रख ही नहीं पाएगा, लिमिटेशन है उसका। ये नहीं हो सकता कि किसी के पास चार गाय और किसी के पास 400 गाय है, हो ही नहीं सकता है, 400 गाय को संभालना आसान काम नहीं है। ठीक है ना, तो अगर समाज बराबरी पे है, ठीक है, तो देवी देवता भी बराबरी पे रहेंगे। आज जैसे नहीं है कि ब्रह्मा जी ऊपर तो उनसे ऊपर विष्णु जी, तो शिव जी उधर, गणेश जी नीचे, ऐसे नहीं हो सकता है। समाज में ऊंच नीच आएगा तभी देवी देवता में भी ऊंच नीच आएगा, समाज की जरूरत के लिए देवी देवता आते हैं। ठीक है, तो देखो समाज क्या है, समानता पे है, और क्या था, पुरुष प्रधान है, तो यहां मेल गॉड का डोमिनेंस होगा, मेल गॉड्स डोमिनेंस ऑफ, डोमिनेंस ऑफ मेल गॉड्स। देवियां माइनर रहेंगी, दो या तीन मिल रही हम लोगों को, भी उनका कोई वैल्यू नहीं है, हमेशा आदमी देवता को ही इन्वोक कर रहा है। ठीक है, देवता में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कौन रहेगा, देखो सोसाइटी भाग दौड़ कर रही, लगातार वो लड़ाई झगड़ा कर रहे, इसलिए जो युद्ध का देवता होगा उसी को बार बार इन्वोक किया जाएगा कि हमें युद्ध से बचाओ या जिताओ वगैरह जो भी हो। ठीक है, तो यहां युद्ध का देवता कौन है, गॉड, हाँ इंद्र, इंद्र का ही सबसे ज्यादा जिक्र होगा। पर इंद्र को बुलाने के लिए मेडिएटर कहां से आएगा, अग्नि है, ऐसा विश्वास है कि हम जो अग्नि में डाल रहे हैं वो देव उस तक पहुंच रहा है, तो बिना अग्नि के मदद के नहीं पहुंचेगा, तो नेक्स्ट टू इंद्रा विल बी अग्नि। ठीक है ना, तो ये चलेगा। अब समाज बदलेगा तो फिर देखो बदल जाएगा। ठीक है ना, ये समाज जब लेटर वैदिक काल में कृषि आधारित समाज आएगा, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता मातृ प्रधान। हाँ कैसे पता चलता है, क्योंकि हम लोग को फीमेल गॉडेसेस के बहुत छोटे फिग्राइंस मिल रहे, फिग्राइन मतलब छोटे वाले, है ना, मूर्तिकाएं मिल रही हैं छोटी छोटी। वो तो है ही। दूसरा इसलिए हम लोग फीमेल बोलते, डोमिनेटर बोलते, क्योंकि हमें वार के मटेरियल्स नहीं मिल रहे हैं, हथियारों की बहुत शॉर्टेज है वहां। ठीक है ना, तो जो गॉड हैं, देखो रिलीजन का उदय कुछ साइकोलॉजिकल कारण से हुआ है, इमोशनल कारण से हुआ, एंड फियर फैक्टर के कारण हुआ है। ठीक है, जो शुरुआती दौर में हम लोग देखते आ रहे हैं रिलीजन, वो उसमें कोई लॉजिक तो है नहीं, पर जैसा समाज रहेगा वो अपने आप बदलता रहेगा। तो आज हम लोग एनालाइज कर लेंगे, पर उनको थोड़ी समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। ठीक है ना, तो ऐसा माना जा रहा है कि भाई हम अगर मर गए तो हम गए कहाँ। ठीक है, इसलिए सबसे पहले देखोगे जो रिलीजन का जो स्वरूप आएगा उसमें एंसेस्टर वर्शिप होगी, आदमी अपने परिवार के नजदीक है। कोई अगर किसी का फादर या मदर मरा तो गया कहाँ, हो सकता है इमोशनली जुड़ा, तो कभी सपने में आया होगा। अब इन चीजों के एक्सप्लेनेशन में जो है ना उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो मान लिया जा रहा है कि भाई दिख तो रहा नहीं है और जमीन में घुसा नहीं है, कहीं छेद भी नहीं है कि पक्का कहीं ऊपर लटका हुआ, साइकोलॉजिकल एक कारण है। तो वायु भी है ना, वायु भी तो है गॉड में, क्यों नहीं मान सकते हैं, वायु तो है। बिना वायु के तुम एक बात बताओ, अग्नि जल जाएगी, नहीं, वायु हम बता रहे ना, देखो अग्नि देवता है, वायु भी देवता है। देखो वो क्या रहे ना कि ये लोग मान लो आज यहां है, 20 दिन बाद किसी पहाड़ को क्रॉस कर रहे हैं और 20 दिन बाद किसी नदी को क्रॉस कर रहे हैं, तो इनके सारे देवता प्रकृति से रिलेटेड होंगे। ठीक है, क्योंकि ये प्रकृति से लगातार लड़ रहे हैं। आज कोई देवता है प्रकृति का, शनि देवता है नहीं है, गणेश जी है नहीं है, भोले शंकर है नहीं है, आज तो इन लोगों का कोई नाम लेने वाला नहीं है। ठीक है ना,
प्रकृति की पूजा हो रही है, जिसको जैसे समझ में आ रहा है, दिमाग उस समय उतना डेवलप है नहीं, जैसे ही कृषि आएगी ना तो ये क्या होगा, इनका जीवन स्थिर होगा। जब जीवन स्थिर होगा तब उसको जीवन को रेगुलेट करने के लिए संस्कारों का उदय होगा, रिचुअल्स। रिचुअल्स किसको बोलते हैं बच्चों, संस्कार किसको बोलते हैं, जवाब दो, संस्कार किसको बोलते हैं, लिखो लिखो लिखो। एनी पैटर्न बिहेवियर इज नोन एज रिचुअल, एनी पैटर्न बिहेवियर इज नोन एज रिचुअल। बार बार एक ही तरह से, बार बार एक ही तरह से होने वाले व्यवहार को संस्कार कहते हैं, बार बार एक ही तरह से होने वाले व्यवहार को संस्कार कहते हैं, ठीक है, फुल स्टॉप। ये समाज को नियंत्रित करने के अलिखित कानून होते हैं, ये समाज को नियंत्रित करने के अलिखित कानून होते हैं, नियंत्रित करने के लिए या संचालित करने के लिए अलिखित कानून होते हैं, समाज को नियंत्रित करने के लिए या संचालित करने के लिए अलिखित कानून होते हैं। ये लिखे नहीं जाते हैं किताबों में, ठीक है। अगर इन संस्कार के अगेंस्ट में जाओगे तो समाज आपको दंड देगा, ठीक है। देखो जैसे आप सुनेंगे उत्तर वैदिक में 40 प्रकार के बड़े बड़े संस्कारों का उदय हुआ था, ठीक है। देखो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे पैर छूना, पैर जब भी छूओगे तो उसी स्टाइल में छूओगे, ये संस्कार है, ठीक है ना। अगर उल्टा, प्रणाम सर, ये गलत हो गया, फिर आपको दंड देगा। यही सीखो माँ बाप से, माँ बाप से सीखने का मतलब ये अलिखित कानून है, थ्रू मौखिक रूप से चल रहा है, किताबों में नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। प्रत्येक संस्कार के साथ एक कर्मकांड जुड़ा होता है, लिखो कर्मकांड, कर्मकांड अलग पॉइंट लिखो, कर्मकांड नंबर सेकंड हो गया, कर्मकांड। कर्मकांड क्या है, देखो संस्कारों के समय, संस्कारों के संपादन के समय शरीर से की जाने वाली क्रियाओं को कर्मकांड कहते हैं। संस्कारों के संपादन के समय शरीर से की जाने वाली क्रियाओं को कर्मकांड कहते हैं, फुल स्टॉप। संस्कारों की सफलता कर्मकांडों की सफलता पर आधारित होती है, संस्कारों की सफलता कर्मकांडों की सफलता पे अधिक आधारित होती है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, कर्मकांडों में, उसी में लिखो, कर्मकांडों में देवताओं को मजबूर करने की शक्ति होती है, कर्मकांडों में देवताओं को मजबूर करने की या विवश करने की शक्ति होती है। ये एक पार्टिकुलर रिदम, पार्टिकुलर का हिंदी क्या होगा बच्चों, विशेष। और वेवलेंथ का हिंदी क्या होता है, वेवलेंथ का हिंदी क्या होता है, तरंग। हाँ तो ये खास, देखो एक ये पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे आधारित होते हैं, ये एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे आधारित होते हैं, अंग्रेजी लिख लो, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा, पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर आधारित होते हैं। देखो जैसे आपने लिखा कर्मकांड में कि संस्कार की सफलता कर्मकांड की सफलता पे है, ठीक है। अगर मान लो कर्मकांड क्या, हमने बताया कि जो शरीर से क्रिया हो रही है, मान लो किसी का शादी ब्याह हो रहा है, पंडित जी बैठे हुए हैं और अपना मुंह से कुछ कुछ बोल रहे हैं, ये कर्मकांड है, ठीक है। बीच में आपको भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, ये पकड़ो, इधर रखो, उधर रखो, ऐसे घूमो, ठीक है। ये कुछ जो भी शरीर से एक्टिविटी की जा रही है इसको कर्मकांड बोलते हैं, ठीक है। विवाह एक संस्कार है, ठीक है ना जी, जब भी होगा उसी तरह से होगा, उसको संपादन कराने के लिए जो शरीर से क्रियाएं चल रही हैं उसको कर्मकांड बोलते हैं। अब मान लो आज विवाह हुआ, 4 दिन के बाद डाइवोर्स हो गया, तो क्या बोलोगे, या एक्सीडेंट हो गया, क्या बोलोगे, ये नहीं बोलोगे कि विवाह असफल है, क्या बोलोगे, लगता पंडित जी ठीक से कर्मकांड नहीं करवाए थे। यानी विवाह की सफलता कर्मकांड की सफलता पे आधारित है, छोटे से छोटे संस्कार में भी कर्मकांड है, नहीं तो संस्कार का वैल्यू नहीं है। मान लीजिए आपने मेरा पैर टच किया और मैं कुछ नहीं बोला, मुंह से कुछ क्रिया ही नहीं किया, शरीर से कुछ क्रिया ही नहीं किया, ठीक है, तो उस पैर टच करने का वैल्यू नहीं है।
फिर आपके मन में आक्रोश हो, अगर हमने पैर भी छुआ कुछ आशीर्वाद भी नहीं मिला। हर हाल में शरीर से कुछ ना कुछ क्रिया होनी, अगर मान लो मेरे मुंह से कुछ नहीं निकला तो भी मेरा हाथ ऐसे उठना चाहिए कि शरीर से क्रिया हो गई, बिना शारीरिक क्रिया के कर्मकांड नहीं होगा। ठीक है, तो देखो ये फिर समाज को चलाने का ये नियम कानून है, अलिखित नियम कानून। अब इसी से संबंधित फिर सब देवी देवता का उदय हो जाएगा, हर संस्कार का एक अलग देवी देवता आ जाएगा। ठीक है ना, जब समाज में ऊंच नीच आ जाएगा, जब जैसे ही समाज में ऊंच नीच आएगा देखोगे यहां भी आने लगा, ये एक देवता रहेंगे इतने ऊंचे, उनके बगल में ये इतना छोटा देवता, उनके बगल में इतना छोटा देवता। ये क्या बता रहा है कि ऊंच नीच आना शुरू हो गया, पिरामिड बन गया, देख रहे हो। और ज्यादा असमानता आएगी तो बड़ा सा मंदिर बन गया, ये देखोगे यहाँ नीचे भगवान बैठे, अनगिनत देवी देवता घूम रहे हैं ताकों में, सब एक दूसरे से छोटे बड़े ऊपर नीचे। ये सामाजिक विभेदीकरण और स्तरीकरण को बता रहा है। समाज में आक्रोश आएगा तब, अगर समाज गुस्से में, मान लो अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर गई, किसी के पॉकेट में पैसा नहीं है, जाति आधार पर शोषण हो रहा है, समाज में आक्रोश आएगा तो देवी देवता के चेहरे पर भी आक्रोश आएगा। जब समाज में आक्रोश आएगा तो देखोगे भयानक देवी देवता का उदय होगा, महाकाल, काल भैरव, पाताल भैरवी, महाकाली। ठीक है, देखो ये कोई नॉर्मल नहीं है, इनके साधक या इनके उपासक सब खूंखार रहते हैं, वो उनका आक्रोश है। शमशान में बैठ के आदमी साधना कर रहा है। ठीक है, तो अगर कहने का मतलब अर्थव्यवस्था में पतन हुआ तो फिर समाज में आक्रोश आया, समाज में आक्रोश आया तो देवी देवता के चेहरे पर भी आक्रोश आएगा। अब आपको भगवान शिव जो है आराम से कैलाश पर्वत पे बीवी बच्चे के साथ नहीं मिलेंगे, वो महाकाल बदन जाएंगे, तांडव। देखो तांडव क्या है, अनियंत्रित धुन है जो पूरे सृष्टि को जला देगा। ये क्या है, भगवान के अंदर आक्रोश आ गया है। ठीक है ना, समाज में आक्रोश आ गया तो ईश्वर में भी आक्रोश आ गया। ठीक है, अभी हम लोग कल ही बताए थे कि हम लोग की अर्थव्यवस्था 1971 में के बाद, वार के बाद कोलैप्स की थी, तो देखो संतोषी माँ का उदय हो गया। कहीं तुम जरा पुराणों में जिक्र दिखा दो। ठीक है, अब देखो यहां 33 देवता थे मेल डोमिनेटेड। ठीक है ना, गुप्त काल आते आते ये सिंक्रेटिज्म की शुरुआत होगी भारत में। कोई भी एक ऐसा देवता बताओ जो इन 33 से नहीं जुड़ा हुआ है, कोई भी एक बताओ। ब्राह्मण जहां जहां जाएंगे, जिन इलाकों में जाएंगे, या आर्यन इन्वेजन जहां जहां होगा, वो अपने देवी देवता से जोड़ते हैं। कार्तिकेय तो साउथ इंडिया के हैं, कौन है देखो शिव जी से कनेक्शन निकलेगा। गणेश जी 5वीं शताब्दी AD के पहले कहीं गणेश जी का जिक्र नहीं है। ठीक है, किसके पुत्र हैं, शिव जी के पुत्र हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा देवी देवता बताओ जो इन 33 से नहीं जुड़ा हो ही नहीं सकता, पूरा इंटरनेट का जाल फैल गया है। ठीक है ना, यस यस, तभी उदय होगा। और सामाजिक परिस्थिति कब आती है, अर्थव्यवस्था के हिसाब से चलती है। अभी के दौर में देखो, अभी के दौर में कौन से देवी देवता है बताओ, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, देखो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, सब कोई फ्री है कुछ भी बनने को, कोई गरीब कभी भी अमीर बन सकता है, सिर्फ वो चाहिए, अकल चाहिए। ठीक है, कोई कभी भी प्रधानमंत्री बन सकता है, पर कोई खरबपति फकीर भी बन सकता है। पूंजी इतनी वोलेटाइल होती है कि शेयर क्रैश किया और गया। ठीक है, तो आपको देवी देवता नजर आएंगे इसी प्रकार के, जो आपके पूंजीपति बनने के रास्ते में जो रुकावट पैदा करेगा, जो आपके रास्ते में ऑब्स्टेकल अवरोध खड़ा करेगा, वो कौन है, शनिदेव। सबसे ज्यादा शनिदेव लोकप्रिय हो रहे हैं। ठीक है, 200 साल पहले का जरा इतिहास निकाल के देखो तो शनिदेव का कहीं कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्या माना जाता है कि ये शनिदेव जो है ना, ये बहुत खतरनाक है, इनसे बच के रखना है। दूसरा, लॉर्ड ऑफ ऑब्स्टेकल्स, लॉर्ड ऑफ ऑब्स्टेकल यानी विघ्नों के देवता, विघ्नानेश्वर, गणेश जी आपके रास्ते में, आपके ऊपर जाने के रास्ते में, मतलब ऊपर ऊपर नहीं, मतलब अच्छी चीज हासिल करने के प्रोसेस में जो भी विघ्न डालेगा
उसी के देवता हैं, लॉर्ड ऑफ ऑब्स्टेकल हैं, विघ्नों का नाश करने वाले हैं ये। तो विघ्नानेश्वर, देखो यही देवता तो सबसे ज्यादा आजकल लोकप्रिय हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज और हो रहा है, गरीब आदमी तो तीर्थ में जा ही रहा है, उसके पास कुछ है ही नहीं, मांगने जाएगा भगवान मेरे को कुछ दो, मैं बहुत परेशान हूं। लेकिन जो खरब पति है, चाहे वो अंबानी हो या बिरला हो, वो भी देखोगे तीर्थ में नजर आ रहे हो, भले ही हेलीकॉप्टर से जाएंगे लेकिन नजर आ रहे हैं। क्यों? पूंजी इतना वोलेटाइल है, इतना अनस्टेबल है कि भगवान जितना दिए उसको बनाए रखियो, शेयर मार्केट क्रैश मत करवा देना, देख रहे हो। अनिश्चितता दोनों जगह है, इसलिए वो भी पहुंचेगा उतने ही श्रद्धा से। आम आदमी तो पहुंचेगा ही, वो तो हमेशा से जो है सामाजिक न्याय का आदमी है। और देखो एक कुछ चीजें और आपको उल्टी नजर आएंगे एकदम, आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है। पढ़े लिखे लोग, दिमाग उदारवादी, लेकिन गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तंत्र, इसमें ऑर्गेस्टिक रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, मतलब अति उन्मादी टाइप का होता है ना कि ये मुर्गा काट दो, ये बकरा चढ़ा दो, और वगैरह वगैरह, खतरनाक चीज। ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसका भी कारण पूंजीवाद का असंतोष है, अप्राप्ति है, आपकी इच्छित चीजों की अप्राप्ति है। तंत्र किससे संबंधित होता है? डे टू डे प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए, ठीक है। ये आपको इमोशनल सपोर्ट देता है, तो कि भाई हमको कुछ हासिल नहीं हो रहा है तो तांत्रिक बताएगा चलो तुम इसका बलि चढ़ा दो। हालांकि मुर्गा और भेड़ बकरा ही चढ़ना चाहिए, इंसान को नहीं चढ़नी चाहिए। तो इसमें भी देखो कि पढ़े लिखे आदमी इन्वॉल्व है, आपके दिमाग में इतना तनाव है। पूंजीवाद है तो बढ़िया चीज, लेकिन ये तनाव जनरेट करता है, बहुत ज्यादा तनाव जनरेट करता है। तो वो तनाव आपको रिलीजन में नजर आएगा, समझ में आई? हाँ, देखो ऋग्वेद में रुद्र क्या था? प्रकृति की विध्वंसकारी ताकतों का प्रतीक था, ठीक है। उस समय सब आर्य लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रकृति से लड़ रहे हैं, दूसरों से भी लड़ रहे हैं। यजुर्वेद, ये कब आया? उत्तर वैदिक काल में। यजुर्वेद में वो रुद्र जो है उनको आपको मिलेगा नाम शिव, SHIVA, शिव शंकर शंभु। अथर्व वेद में मिलेगा महादेव, और श्वेताश्वतार उपनिषद में मिलेगा शिवा इज द ब्रह्म। देखो शिव जी का कैसे डेवलपमेंट हुआ, शिवा इज द ब्रह्म। ऋग्वेद के में प्रकृति की विध्वंसकारी ताकतों के प्रतीक है, जैसे कृषि शुरू हुई पेट भरने लगा तो शिव की विध्वंसकारी ताकतें सबसाइड हो गईं, उनके अच्छे फॉर्म आए। यजुर्वेद में हम लोग को ये तीन नाम मिलता है। शिव का मतलब क्या होता है? ऑस्पिशस, AUS, ऑस्पिशस, ठीक है, मतलब मंगलमय। नहीं जाते हो तो लिख लो, शिव मतलब मंगलमय, शंभु मतलब बेनिवोलेंट, दयालु, बेनिवोलेंट मतलब दयालु, शंकर मतलब बेनिफिशियंट मतलब हितकारी, दूसरों का हित करने वाले। देखो तीन नाम मिलता है, ये क्यों हुआ? कृषक अर्थव्यवस्था आने से होगा, ठीक है ना, कम हो गया। हाँ हाँ, और अथर्व वेद में महादेव हो गए हैं, सबसे बड़े देवता हो गए। सबसे बड़े देवता का पीछे लॉजिक यह है कि यहां माना जाता था कि जो रुद्र हैं प्रकृति की विध्वंसकारी ताकतों का ही प्रतीक नहीं है, जो प्रकृति आपको नुकसान पहुंचाती है। ही वॉज ऑल्सो द गॉड ऑफ हीलिंग, इनके पास नेचुरल हर्ब है, इनके तीर रोग उत्पन्न करते हैं और इनके तीर रोग से बचा भी लेते हैं। दैट्स वाई महादेव बन गई है, ठीक है ना। और ये कोई सेक्ट नहीं है इनका, आज भी देखो चाहे वो वैष्णव हो चाहे काली का पूजा दुर्गा का, हर आदमी जो ना शिव जी से के पास जल चढ़ा लेते हैं, वो एकदम भोले, सही में भोले बाबा है, मतलब ये मंगलमय भगवान है या परोपकारी भगवान है। पर जब समाज बदला 4th century AD में, तो देखो हम लोगों को कराना वो है कि आप बिल्कुल यहाँ से निकले तो आप कॉन्फिडेंट रहे कि हम
हमारे तरफ से नहीं हुआ कि हमने ये करा दिया, आपके दिमाग में दिल में संतोष होना चाहिए। तो हमारा क्या, हमको बोलोगे 4 दिन में हम पढ़ा देंगे सारा, आपको नहीं समझ में आएगा फिर। एनीवे चलो इसको मैंने अभी यहाँ क्लोज किया, हम हर हाल में ये चीजें आपको बताएंगे बाद में, है ना। तो जिस दिन हम आपको ये उपनिषद वेद वेदांग समझाएंगे ना, उस दिन ये भी समझा देंगे हम थोड़ा बहुत। हम लोग ये देख रहे थे कि आत्मनिर्भर ग्रामीण समुदाय था और सब एक दूसरे से कटे हुए थे, इनको जरूरत ही नहीं थी। गांवों का प्रोडक्शन जो है ना वो निम्नतम स्तर का होता था, उनमें कोई सोफिस्टिकेशन नहीं होता था। गांव के लोगों को सोफिस्टिकेशन चाहिए भी नहीं। आप सुनते हैं ना कि वो पहले गांव के चमार का जूता जो है, आदमी मर जाएगा लेकिन जूता नहीं टूटता था, उसमें मजबूती होती थी, फिनिशिंग नहीं होता था, ठीक है ना। तो गांव के दर्जी का बनाया हुआ कुर्ता फटेगा नहीं, आप एक्सपायर कर जाइए, इसमें ना फिनिशिंग टच नहीं होता था, लेकिन जीवन भर चलने वाली चीजें बनाते रहते थे लोग। अब देखो ऐसी स्थिति में, चूंकि जब इनको बाहर निकलना ही नहीं है, तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का बिल्कुल विकास नहीं हुआ। ये सब आपस में ही, पता, रिपब्लिक है सब ये। सिर्फ हमने बताया था कि ये आत्मनिर्भर है, एक दूसरे से कटे हुए हैं और सेल्फ रूल्ड भी हैं, ये सेल्फ रूल्ड भी हैं, आत्मशासी, इनका शासन अपने आप चल रहा है। ये और खतरनाक बात है, इनका शासन चल रहा है, यानी गांव में जो जातियां हैं सबके अपने अपने जाति के धर्म कर्म है, तो जातीय पंचायत होगी और गांव में ग्राम समुदाय का अपना पंचायत होगा, उसी पे चल रहे हैं। यानी अगर बाहर में रूल का परिवर्तन हो रहा है, मतलब मान लो जैसे एक रूलर को हटा के दूसरा रूलर आया और कुछ अपनी नई नीतियां लेके आया, तो गांव में लागू नहीं करवा रहा है वो, सब गांव के बाहर बाहर है। जो भी परिवर्तन आएगा आपको शहरों में नजर आएगा। गांव का जो है ना वो, गांव दो राजाओं के बीच अगर युद्ध हो रहा है तो इस बात को लेकर नहीं युद्ध होता था कि गांव के अंदर किसका शासन होगा, गांव के ऊपर किसका शासन होगा, ये होता था, ठीक है ना। राजा का एजेंट आएगा गांव के पंचायत से, डिस्कशन करके चल जाएगा कि कितना प्रोडक्शन है, हमको कितना चाहिए, गांव के अंदर एक एक आदमी से डील नहीं करेगा वो, ठीक है ना। तो ऐसी व्यवस्था थी, ठीक है। अब देखो अंग्रेज आ रहे हैं, और ये जो जितनी कारीगरी देख रहे हो सब अंग्रेज डिस्ट्रॉय करेंगे। अभी तो जो शुरुआत में हम लोग देख रहे थे कि 1600 एडी से लेके 1757 तक का पीरियड में अंग्रेज क्या करने आ रहे हैं, यहाँ का बना बनाया सामान खरीद रहे हैं, बदले में सोना चांदी दे रहे हैं, और इसको यूरोप के दूसरे देशों में बेच के अपने देश में फिर गोल्ड ले जा रहे हैं, ठीक है। पर हम लोग इस समय बहुत फायदा है भारतीय कारीगरों को, अपने सामान को कीमत अच्छे अच्छे कीमत पे बेच रहे हैं, और इन भारतीय सामान के लिए पूरी दुनिया में मार्केट भी खोल रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि भारत के लोग अपने से समुद्र पार गमन नहीं कर सकते थे, तो धार्मिक बंधन लगा हुआ था। तो हो क्या गया कि जो कंपनियां थी वो यहाँ की जो सत्ता थी उससे परमिशन लेकर एक लमसम अमाउंट देकर व्यापार करती थी। कभी कभी तोड़ने की इन लोगों ने कोशिश की ताकत से, पर मुगल सत्ता जब तक पूरी ताकत से खड़ी रहेगी इन्हें, इनकी दाल नहीं गलेगी। औरंगजेब के मरने के बाद मुगल सत्ता बिखरने लगी, पावर का दूर दराज के सेंटरों में डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, और सबसे बुरी बात यह थी कि ये लोग आर्मी वाले हिस्से को, आर्मी पक्ष को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिए थे। उस समय का बंगाल सोचो कितना बड़ा था, बंगाल बांग्लादेश मिला लो, बिहार उड़ीसा सब मिला के था। अलीवर्दी खान के पास टोटल कितने घुड़सवार थे, 2000। सिर्फ 2000 घुड़सवार की ताकत से वो कैसे लड़ेगा। तो जैसे ही सत्ता डिसेंट्रलाइज हुई तो अंग्रेज जो है एक दावेदार को दूसरे दावेदार के अगेंस्ट में सपोर्ट करके अपने व्यापार की मोनोपोली अधिकतम करने का प्रयास करने लगे। इसी में सब आपसी झगड़े होंगे इनके, अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी, अंग्रेज वर्सेस डच और वगैरह वगैरह, ठीक है। फाइनली हम लोग देखेंगे कि भारत में अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया, और उधर दूसरे जगहों पे कहीं फ्रांस का हुआ, कहीं डच का हुआ, अलग अलग हिस्सों में इन लोगों ने शासन स्थापित कर लिया। अब क्या होता है कि
इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा है ब्रिटेन में, 1800 AD में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। जब 1800 AD में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो देखोगे धीरे धीरे भाई जहाँ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है वो तो अपना सामान बेचना चाहेगा, पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना मोनोपोली लिए हुए है कि हमारे सिवा कोई किसी को व्यापार नहीं करने देंगे, जिसको करना मेरे थ्रू करे। तो वहां पे झगड़ा चलेगा और फाइनली 1813 में ही कंपनी के व्यापार को छीन लिया जाएगा, एकाधिकार को छीन लिया जाएगा। अब यहाँ पे बस वो अपना प्रशासन देखेगी। अब इंडिया फ्री हो गया पूरे ब्रिटेन के कैपिटलिस्ट के सामान के लिए। सिर्फ भारत बहुत बड़ा देश है, देखो जब इंडस्ट्री बैठती है तो दो चीज की जरूरत होती है कि कच्चा माल इतनी तेजी में कहाँ से लाओगे और इतनी तेजी में बेचोगे कहाँ से। तो कच्चा माल भारत से लाओगे, ठीक है, तो जो किनारे किनारे बंदरगाह है ना, बंबई और कलकत्ता, मद्रास, गुजरात, यहाँ से कच्चा माल निकलेगा। लेकिन भाई उसको भी तो खरीदोगे तुम, ठीक है ना। तो जो अंग्रेज हैं, जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होगा तो फिर दूसरे ढंग से प्रशासनिक चेंजेस की शुरुआत होगी। पूरे भारत की बाउंड्री को सिक्योर किया जाएगा। कल मैंने आपको एक चीज बोला था कि अंग्रेजों की भारत विजय किसी सोची समझी नीति का परिणाम नहीं थी। अंग्रेजों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि किसी दिन हम भारत पर रूल करेंगे। ये जहां भी वार करते थे सिर्फ और सिर्फ अपने लिए मोनोपोली मांगते थे। मीर जाफर से भी यही क्या किया था कि तुमको हम जी बैठा देते, तुम बदले में हमको मोनोपोली दे दो, यानी फ्रांसीसियों को निकाल बाहर करो, डच लोगों को निकाल बाहर करो। मराठे के साथ भी यही किया, हर जगह यही कर रहे हैं। टीपू सुल्तान नहीं माना तो पीट पाट के मार दिया उसको। जब ये बंगाल जीत गए तो फिर बात है कि भाई अपने क्षेत्र को दूसरों से सुरक्षित रखने के लिए, अभी तो मराठे खड़े थे, दूसरों से सुरक्षित रखने के लिए एक बफर स्टेट बनाया जाए, उसके लिए सहायक संधि चलाई गई। सहायक संधि में इन लोगों ने वहां के राजाओं को बोला कि तुमको तुम्हारे दुश्मनों के खिलाफ हम मदद करेंगे, तुम हमको आर्मी का खर्चा दे देना, तो वो भी तैयार हो गए। सहायक संधि कहलाई। फाइनली ये सहायक संधि के लिए बहुत ही खतरनाक थी। फाइनली इसका विकट रूप ये नजर आया कि यहाँ के जो देसी राजा हैं वो अपनी सारी स्वतंत्रता प्रतिष्ठा सब खो दिए। अंग्रेजों ने बोला कि तुम्हारा झगड़ा है ना उससे, जिससे हम तुमको उससे बचा लेंगे, तुम बदले में हमको प्रभुसत्ता संपन्न जमीन दे दो और यहाँ हम आर्मी यहीं रखेंगे, तुम खर्चा दो, बस हमारी एक ही शर्त है कि मेरे से पूछे बिना दूसरे से न संधि करोगे न दुश्मनी करोगे। नेपोलियन जब भी आएगा, अफगानिस्तान होता हुआ आएगा, तो अफगानिस्तान के सिंध से वो लोग अलग अलग निपटेंगे। अगर अवध के राजा से, अवध के नवाब से अगर कोई संधि की जा रही है तो उसका कारण क्या है? मराठे, मराठे, मराठे इलाहाबाद तक लूट के गए थे, ठीक है, मराठों का ही लूटपाट हो रहा था। और वैसे भी जब हमारी केंद्रीय सत्ता दुर्बल हो गई है तो फिर जो लोकल जो गुंडे होते हैं, मतलब जो डाकू होते हैं, चरम सीमा पे निकले हुए हैं, ठीक है, तो उनसे कौन रक्षा करेगा? अंग्रेजों का ही माल ज्यादा लुटाएगा, अपने ही माल का इनका मूवमेंट हो रहा है। इन सबों के लिए किया गया, मराठों के डर से शुजाउद्दौला से ट्रीटी की गई, ठीक है। आप याद कीजिए बैटल ऑफ बक्सर, तीनों हार गए, चाहते अंग्रेज तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद अपनी पूरी सत्ता ले लेते, दिल्ली से आकर रूल करते। शाह आलम तो हार गया था पर इनको शासन नहीं करना था। वहां क्या किया इन लोगों ने बैटल ऑफ बक्सर में? शाह आलम से लिखवाया कि तुम जो उसको जुल्फिकार अली खान और दूसरे को जो बनाते हो मनसबदार, अब तुम्हारे तरफ से हम रूल करेंगे, ठीक है। तो मुगल एम्परर ने मुहर लगा के दे दिया, अब वो दावेदार हो गए, मतलब वैधानिक शक्ति बन गए वहां पे, ठीक है। जो वहां जाके क्या किया, वहां नवाब को बोला तुम बैठे रहो, भागो मत यहां, बैठो, हम तो सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद फिर तो उठे 1761 में, अरे 1761 का तो पानी बैटल ऑफ पानीपत बोल रहे हो, अभी 1802, 1813, 1819, 1761 तो बहुत पुरानी बात है, वो तो मध्यकाल है, अहमद शाह अब्दाली वाली। तो माधवराव के अंतर्गत फिर से पेशवा का उदय हुआ है ना, बाजीराव, रघुनाथ राव,
तो क्या बोल रहा था मैं? सहायक संधि से हमारे जो है ना सारे राजा जो है पंगु बन गए। और देखो इसका सबसे बड़ा फायदा, देखो कंपनी को पूरे भारत में प्रसार के लिए एक पैसा नहीं लग रहा है, यहीं के राजाओं के पैसे से आर्मी रख रही है और युद्ध करके अपना एक्सपेंशन कर रही है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी युद्ध करने यहां नहीं आई थी। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784। पिट्स इंडिया एक्ट ने क्लियरली बोला था कि हमको भारत में कोई युद्ध नहीं करना है, हमें सिर्फ आवर इंटरेस्ट इज प्योरली कॉमर्शियल, पर जब यहां आओगे तो भाई तुम्हारी मोनोपोली ट्रेड है, मोनोपोली ट्रेड बचाने के लिए युद्ध अनिवार्य है। तो जो भी यहां आता था ना चाहते हुए भी युद्ध करेगा, भाई व्यापारी कंपनी युद्ध करेगी तो लॉस में जाएगी ना जी, तो भी इनको युद्ध करना ही पड़ता था। अगर ब्रिटेन का हर नागरिक फ्री होता यहां व्यापार करने के लिए तो युद्ध नहीं होता, ठीक है ना। तो जब 1800 AD में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गया तब स्थिति उलट गई। अब ब्रिटेन को अपने इंडस्ट्री में बने हुए सामान को यहां बेचना है और यहां से कच्चा माल ले जाना है। कैसे करोगे? मेजर चेंजेस लाने पड़ेंगे, पूरी भू राजस्व व्यवस्था बदलना पड़ेगा, शिक्षा व्यवस्था बदलना पड़ेगी, रोड्स बनवाने पड़ेंगे, रेलवे ट्रैक्स बिछाने पड़ेंगे, पोस्ट ऑफिस लगाना होगा, टेलीग्राफ सर्विसेज लगानी होगी, ठीक है। तो भयानक जो है बहुत तेज स्तर पे काम शुरू हुआ, ठीक है। सोचो भारत जो पहले दुनिया को अपनी बनाई हुई वस्तुएं बेचता था, एक समय ऐसा आ जाएगा जो कृषि प्रधान देश बन जाएगा, बाहर से चीजें मंगाएगा। अंग्रेज जब आएंगे तो ऐसी ऐसी नीतियां चलाएंगे कि लोगों के पॉकेट से पैसा निकलना शुरू हो जाएगा। देखो भारत में इतने अनगिनत अटैक हुए हैं, भारत कभी भी गरीब नहीं बना। क्यों गरीब नहीं बना? जब महमूद अब गजनी आया था तो देखो इतने इतना लूट के ले गया था कि वहां खच्चर नहीं मिल रहे थे लोकली, पर भारत की अर्थव्यवस्था पे कुछ असर नहीं पड़ा। हम लोग धन किसको बोलते हैं? जो रोटेशन में हो, जो मंदिरों में जमा है, जो किसी के काम में ही नहीं आना है, उसका कोई यूज नहीं है, तो ले गया वहां से। भारत पे कुछ भी असर नहीं पड़ा। भारत तब असर पड़ेगा जब एक एक आदमी के पॉकेट से पैसा निकलेगा, तो वो रणनीति अंग्रेज लाएंगे। उसके पहले लूटने का उहाई ही नहीं, रास्ता ही नहीं आपके पास। अगर कोई डाकू आता है आपके पास या किडनैपर आता है तो ज्यादा ज्यादा क्या करेगा? कनपट्टी पे पिस्तौल सजाएगा, बोलेगा जितना पैसा दे दो, उसके अगले दिन कुछ नहीं, ठीक है। डाकुओं के पास लूटने का लिमिटेड स्कोप होता है, पर पूंजीपति के पास वो इतनी चीजें आपको देगा और आपके काम की कि आप मेहनत करके आएंगे और उसका सामान खरीदेंगे, लो भाई पैसा पकड़ो हमको दे दो, उसको लूटने की जरूरत नहीं पड़ती, वो इनडायरेक्टली लूटपाट मचाएगा क्योंकि आपकी जरूरत की चीजें दे रहा है, रोज आपके पॉकेट से पैसा निकालेगा। तो दिख रहा है ना? दिख तो रहा है। आप कल क्लास में नहीं थे ना? रूल ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब कौन लाया है? अंग्रेजी तो लाए हैं ना। ना अर्थव्यवस्था पंगु कहां बन रही है? अर्थव्यवस्था चलेगी ना जी, आपके जरूरत के सामान बना के आपको दे रहा है, उसके लिए आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे, मेहनत करके खरीदेंगे, पंगु नहीं बन रहा है। आदान प्रदान सर्कुलेशन और ज्यादा होगा इसमें। भारत इसलिए गरीब बनेगा कि जो सर्कुलेशन में जो प्रॉफिट होगा वो अंग्रेजों के पॉकेट में जाएगा और वहां से वो विदेश चला जाएगा, आपको कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो देखो सबसे पहला परिवर्तन जो लाया जाएगा वो, समझ में आ गई इतनी बात? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आने के बाद स्थिति बदल जाएगी। अब अंग्रेज हमारे यहाँ का बना बनाया सामान खरीद के नहीं ले जा रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज होगी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी कुछ बना बनाया ले जाएगी, टोटल खत्म नहीं होगा। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले लैंड रेवेन्यू सिस्टम चेंज किया जाएगा। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, भू राजस्व व्यवस्था चेंज की जाएगी। पहले भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी? जैसे बैटल ऑफ प्लासी हुआ उसके बाद कैसे अंग्रेजों ने भू राजस्व व्यवस्था वसूली? कोई रास्ता नहीं था उनके पास। उन लोगों ने क्या बोला कि हम यहां से इतना, बंगाल से इतना भू राजस्व आता है, हम किसी को ऑक्शन आउट कर देते हैं, ठेकेदारी पे दे देते हैं, पर वो वसूल नहीं पाया। फिर दोबारा भी किया, वो भी नहीं वसूल पाया। कारण कारण यहाँ की अपनी हम लोग की आर्थिक व्यवस्था है।
देखो अंग्रेजों से पहले क्या था, अंग्रेजों के पहले वाले भू राजस्व का कुछ पॉइंट बताते हैं। लैंड वाज नॉट अ प्राइवेट प्रॉपर्टी। अंग्रेजों से पहले भारत में भूमि का मालिक राजा नहीं होता था, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। अगर राजा किसी को कोई जमीन दे रहा था, इसका मतलब उस जमीन के उपभोग का अधिकार दे रहा, खरीदने बेचने का नहीं दे रहा, आप मालिक नहीं बन गए। अगर दो राजा यहाँ लड़ रहे, मान लो बाबर आया और यहाँ लड़ाई की और यहाँ अपनी सत्ता बना ले, इसका मतलब ये नहीं कि बाबर भारत की जमीन का मालिक बन गया। अब बाबर को यहाँ इन इलाकों से टैक्स वसूल करने का अधिकार मिल गया, ठीक है? तो देर वॉज नो कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन लैंड। दूसरा, जो भू राजस्व का निर्धारण होता था वो गांव पे सामूहिक रूप से होता था। राजा का एजेंट आता था और गांव के मुखिया से मिलता था या पंचायत पे बैठता था कि आपके यहाँ कितना अनाज होता है, साल भर में कितने बार होता है, ठीक है? तो उसका एवरेज निकाल के जो भी उसका हिस्सा होगा राजा का, 20%, 30%, 35% वो ले जाएगा। मान लो फिक्स हो गया कि ये गांव हमको हर साल 100 क्विंटल चावल देगा और 50 क्विंटल गेहूं देगा। अब गांव में 100 परिवार रह रहा है या 50 परिवार रह रहा है, अब एक एक परिवार से कैसे वसूलना, ये राजा के एजेंट का हेडेक नहीं है? वो ग्राम पंचायत से डील करके गया है, अब ग्राम पंचायत सब का काम है कि एक एक परिवार से कैसे वसूलेगा, ठीक है ना? तो क्या होता, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, राजा जमीन का मालिक नहीं है, भू राजस्व का, अरे जमीन का मालिक है कौन? किसान भी जमीन का मालिक नहीं है ना, ग्राम पंचायत जमीन का मालिक है, ठीक है ना? तो फसल जो भू राजस्व का निर्धारण होता था वो सामूहिक रूप से गांव पे होता था, विलेज एज अ होल, ठीक है, विलेज एज अ होल। और दूसरा, तीसरा, जो कर निर्धारण होता था, जो टैक्स का जो असेसमेंट होता था, वो क्रॉप पे होता था, अनाज पे होता था। ये नहीं कि 100 क्विंटल का कितना वैल्यू हुआ, 200 रुपया, तब हम तुम हमको 200 रुपया कैश देना, नो, अनाज पे हुआ है कि इस गांव में इतना अनाज होता है तो इसका इतना परसेंट हमको चाहिए। अगर कभी गांव में अकाल पड़ गया तो अनाज पे फिक्स था, अनाज नहीं हुआ तो नहीं देना है। राजा भी खुश, किसान भी खुश, ठीक है ना? अब देखो अगर ये व्यवस्था रहेगी, जमीन का जब कोई मालिक ही नहीं है तो अंग्रेज वसूलेंगे कैसे, ठीक है? जो सबसे पहली जो समस्या आई कि हम लोग इसको कैसे वसूला जाए, तो अंग्रेजों ने पूरा एक कलम देखो चलाया कॉर्नवालिस ने, पूरा सिस्टम उलट दिया। यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट लागू किया उन्होंने, कुछ हजार जमींदारों को क्रिएट किया गया। कुछ तो पहले वाले थे जो मुगल काल में जो वसूलते थे या नवाबों के काल में, उनको बोल दिया गया कि तुम जिस इलाके से रेवेन्यू वसूल करते थे ना, मान लो तुम ये 10 गांव से वसूल करते हो, तब 10 गांव के तुम मालिक हो, तुम हमको इतना पैसा दोगे, नहीं दोगे तो ये जमीन अब तुम्हारी हम नीलाम करेंगे। अब सोचो कि जो उस 10 गांव में रहता होगा किसान या विभिन्न जाति, उनका क्या, एक कलम चले उनके सारे अधिकार उड़ गए हैं? 10 गांव तो हमने बहुत छोटा बताया है, हजारों हजार एकड़ दिया जाता था। आप 1960 के या 70 की फिल्में देखिए तो आपको नजर आएगा हर जगह जमींदारी सिस्टम है और जमींदार के शोषण के खिलाफ हीरो, हाँ हीरो लड़ाई लड़ रहा है। कुछ जमींदार क्रिएट किए गए नए, जो अंग्रेजों की को सेवाएं दे रहे थे, उनमें अंग्रेजों को दरअसल लगा कि बहुत अर्ली पीरियड, अभी सारी कानून व्यवस्था है ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के हिसाब से चल रही है, अपना तो लीगल सिस्टम आया नहीं है, तो लीगल सिस्टम हम लोग को डेवलप करना पड़ेगा। इतनी बड़ी संख्या में ब्यूरोक्रेसी कहाँ से लाएंगे अगर हमको एक एक लोगों से वसूलना पड़े तो, ठीक है? और उनको सोशल सपोर्ट चाहिए भारत का, बिना सोशल सपोर्ट के कोई शासन नहीं कर पाएगा, ठीक है ना? मुगलों ने भी देखो मैरिज अलायंस लाया था, राजपूतों को प्रशासन में लिया था, बिना सोशल सपोर्ट के नहीं सत्ता लंबी समय तक चलेगी, तो अंग्रेज भी यही कर रहे हैं। लेकिन अंग्रेजों को कुछ बाद में पता चले कर ये तो गड़बड़ हो गया। देखो अंग्रेजों ने कुछ सब कुछ बुरा नहीं सोचा था, अंग्रेजों ने सोचा कि अगर हम इनको परमानेंट बना देते हैं कि भाई तुम 1,000 एकड़ के मालिक हो, हम तुमसे हर साल 100 रुपया लेंगे, तुम्हारी मर्जी तुम लाख कमाओ। उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा कर देंगे तो जमींदार अपना खूब इनकम बढ़ाएगा, वो इनकम बढ़ाएगा तो किसान भी खुश हो जाएंगे, जमींदार भी खुश, हम लोग भी खुश। पर वो भूल गए कि इंडिया है,
जिसको 1,000 एकड़ दे दिए उसकी तो रातों रात किस्मत बदल गई, अब वो थोड़े ही उस गांव में रहने वाला है, तो भाग गया लंदन है, और अपना जो अधिकार देना था अपने से नीचे वाले को दे गया कि देखो हमको देना है 100 रुपया अंग्रेजों को, तुम तो हमको 500 दे दो, तुम्हारी मर्जी जितना वसूलो। अब ये भी जो दिया है इसको कोई मामूली नहीं होगा, अपने से नीचे वाले को दे देगा। पता है ऐसे करते करते अब सोचो अंदाज लगाओ जरा क्या हाल हुआ होगा, 22 सीढ़ी नीचे उतरे हैं हम लोग, जो लैंड रिकॉर्ड है 22 सीढ़ी बता रहे हैं, सोचो क्या जा रहा है ये। और इसमें जम के इविक्शन होगा, जितनी मजदूरी बेगारी वगैरह वगैरह सब होगा ना, उनके पास कोई रास्ता नहीं है। अंग्रेज क्या कर रहे हैं ना कि देखो जैसी बैटल ऑफ प्लासी हुआ उसके बाद अंग्रेज जो है ना बड़ा दुष्टतापूर्ण शासन करना शुरू किए हैं, तो उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हुआ नहीं है, जिनको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, फ्रांसीसी और दूसरे को भगा दिया। अब ये लोग बुनकरों पे दबाव डालेंगे, जो भी लोग बना रहे हैं ना सामान उन पे दबाव डालेंगे कि तुम हमको इतने ही में दोगे, मोनोपोलाइज कर लेंगे, ठीक है, दबाव डालेंगे, जब नहीं नहीं मानेगा तो अपने इंडियन व्यापारी को बेचेगा, देखेंगे कि इससे भी काम नहीं चल रहा, तो फिर मोनोपोलाइज कर देंगे कि नहीं तुम मेरे सिवा किसी को बेच ही नहीं सकते हो। भाई अब किसी चीज को बनाने में उसकी लागत 1 रुपया आ रही है, तुम बोल लो कि नहीं तुम हमको 90 पैसा में दे दो, कहाँ से देगा, तो उसने काम छोड़ दिया। आप लोग पढ़े होंगे किताब में कि लाखों लोग बुनकरों ने अपनी अंगूठे काट लिए कि नहीं हमसे तो काम नहीं हो रहा है, हमसे काम ही नहीं हो रहा है, तो ये सब तिकड़मबाजी अपना रहा है सब। तो देखो 22 सीढ़ी नीचे उतर गए, इसका नतीजा क्या होगा, बहुत बुरा होगा। पहला तो ये कि लगातार इविक्शन मतलब बेदखली होने लगेगी, जमींदार के जब मनाएगा तब बाहर कर देगा, बहु बेटियों का शोषण आम बात, बेगार आम बात, ठीक है। और भारत में तो ऐसे भी जाति व्यवस्था जिसकी निकली निचली जाति होगी उसको तो बेचारे का उतना ही शोषण होगा, तो तय है होना, हाँ पहले चला रहा है। तो जमींदारी सिस्टम में अंग्रेजों ने सोचा था कि नहीं किसान इनका इनकम बढ़ेगा जमींदार का, लेकिन हो गया उल्टा, बस एक ही चीज सही हुआ, जमींदारों ने सोचा था कि जिसको हम जमीन का मालिक बना रहे हैं उसके जिसकी जिसका अस्तित्व ही मेरे कारण है वो हमारा समर्थक बना रहेगा, तो आखिरी साल तक बने रहे समर्थक हैं, बाकी हजारों किसानों सॉरी कुछ हजार जमींदारों के निष्ठा के बदले लाखों किसानों का समर्थन खो दिया, लगातार विद्रोह शुरू हो जाएगा, धड़ाधड़ देखोगे कृषक विद्रोह, ट्राइबल विद्रोह, ठीक है, हर जगह विद्रोह शुरू हो जाएगा। और ये सारे किसान जैसे गांधी जी आएंगे या उनके पहले भी सब देखेंगे कि भाई हमारी उम्मीद का किरण नेशनल मूवमेंट में नजर आ रहा है। उसके बाद अंग्रेजों ने ना फिर एक जगह रैत फिर बाकी हिस्सों में रैतवारी लगाई है, ठीक है, कुछ जगह थोड़ा सा नॉन परमानेंट सिस्टम में लगाए हुए जमींदारी व्यवस्था करो, बाकी जगह मोटा मोटी समझ लो रैतवारी लगी, रैयत मतलब किसान होता है, रैतवारी सिस्टम लगा, नहीं हम लोग ना जमींदारी सिस्टम लगा के घाटे में फंस गए हैं, तो हम लोग अब रैयत मतलब किसानों के साथ सीधा संबंध करेंगे, ठीक है। अब देखो ये सिस्टम जो लगा है वो भारत की पारंपरिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं है, इसमें अंग्रेज परिवर्तन क्या लाए हैं, चाहे जमींदारी हो चाहे रैतवारी, परिवर्तन लिए लाए हैं कि यहाँ भी जमींदार को प्राइवेट प्रॉपर्टी दिया और वहां किसानों को प्राइवेट प्रॉपर्टी दिया, रैयत को बोला कि जो खेत तुम जोत रहे हो ये तुम्हारी अपनी है, हम तुमसे वसूली करेंगे लगान की, नहीं दोगे तो हम जमीन नीलाम कर देंगे, ठीक है ना। तो पहला तो प्राइवेट प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस कर दिया, जी। दूसरा अंग्रेजों ने बोला कि मैं हम लोग फसल वसल नहीं लेने वाले हैं, तुम हमको कैश दोगे, यानी अब किसान उपजाएगा, उपजा के उसको ले जाएगा मार्केट में बेचेगा, उसके बाद कलेक्टर के ऑफिस जाएगा कैश चुकाने, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या किया कि इंडिविजुअल कृषक के साथ समझौता किया, गांव को सामुदायिक आधार नहीं माना, यहां जमींदार इंडिविजुअल है वहां किसान इंडिविजुअल है, ठीक है। ये जो हम लोग देख रहे थे कि गांवों में आत्मनिर्भर व्यवस्था थी, गांव के कृषि और उद्योग देखो दोनों में बैलेंस था, गांव में कृषि चल रही थी और उद्योग भी लोकल चल रहा था, दोनों में बैलेंस था और सब एक दूसरे से इमोशनली और ऑर्गेनिक रूप से जुड़े हुए थे, ये सब देखोगे धड़ाक से गांव का सेल्फ सफिशियंट नेचर टूट जाएगा, ठीक है ना। गांव की भी जमीनें नीलाम होने लगेंगी,
खरीदार कौन रहेगा? जो भारत में जो बिजनेस वर्क क्लास था, जो अब देखेगा कि अंग्रेजों का शासन हमारे व्यापार के लिए अनुकूल नहीं है, वो सब अपना पैसा जमीन में लगाना शुरू करेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि जमीन वैसे लोगों के हाथ में चली जाएगी जो नॉन कल्टीवेटर हैं, जिनको कृषि से मतलब ही नहीं है, वो शहरों में बैठे हैं, बस अपना पूंजी इसमें इन्वेस्ट कर दिए हैं। अब गांव के लोग आएंगे कि मालिक आपके यहाँ जमीन, हम खेती कर देते हैं, हमको भी कुछ दे दीजिएगा, उसमें बटाईदारी चल पड़ेगी। हाँ, गैर जमींदारी व्यवस्था आ जाएगी। गैर जमींदार तो है ही, एबसेंटी लैंडलॉर्डिज्म एक दूसरा चीज है जिसको हम लोग यूज करते हैं कि हम जमींदार हैं लेकिन हम स्वयं खेत में नहीं रह रहे, हम दूसरों को अपना अधिकार बेच दे रहे हैं। ये जो है ना, काश्तकार की बात कर रहे हैं हम, कि जो किसान है उसके हाथ से जमीन निकल के गैर किसान के हाथ में चली जाएगी, जो व्यापारी वर्ग है, उसको खेती से कोई मतलब ही नहीं है, उसको इमोशनल लगाव नहीं है। किसान बोलेगा कि हम इसको इस खेत से तो हम दुगना उपज कर सकते हैं, हमको ये वाला फर्टिलाइजर दे दो, ऐसा प्रबंधन कर दो, पर जो बैठा हुआ शहर में बोलेगा चुपचाप खेती करो, हमको लेना देना नहीं उससे, हमको नहीं बढ़ाना। भाई उनका, उसका इनकम का साधन तो शहर में है, आगे मुड़ेगा ना, मुड़ेगा कौन? ना ना, वो तो अभी मजदूर बनेगा भाई। जो हमारा संभ्रांत वर्ग था, वो संभ्रांत वर्ग भी, कई संभ्रांत वर्ग भी जो है ना, वो कंगाल हो जाएंगे। दूसरी तरफ देखो, अंग्रेज वहां पे जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गया है, तो वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कानून बनाना शुरू होगा कि भारत को ऐसा विकसित किया जाए कि जहां से हम लोग कच्चा माल ले जाए। तो भू राजस्व व्यवस्था निर्धारित की गई कि हम तुमसे कैश लेंगे, कैश लाएगा कहां से? अंग्रेज जो है ऐसी चीजों के खरीदार यहां आएंगे जो बोलेंगे कि ये वाला उपजा हम खरीद लेंगे तुरंत, मार्केट में होता है ना कैश क्रॉप, कैश क्रॉप का प्रचलन चल पड़ेगा। मैंने अब उसको ये परवाह नहीं कि हम खाएंगे क्या, यार भाई पहले कैश क्रॉप उगाओ, जल्दी से बेच के उसका रेवेन्यू, तो खाने के बाद में सोचेंगे, नहीं तो जमीन चल जाएगी। ठीक है, या 10 एकड़ जमीन है तो 5 एकड़ में अपना कैश क्रॉप उपजाएगा, 5 एकड़ में अपनी उपजाएगा, ऐसे करेगा सब। लैंड रेवेन्यू बहुत ज्यादा होता था, देखो 60 से 65%, और चूंकि ये अनाज पे नहीं फिक्स है, जमीन पे फिक्स है, इसलिए हर हाल में आपको देना है। मान लीजिए आपने 5 एकड़ में खेती किया है और सूख गया, अकाल पड़ गया, तब वो चढ़ गया बीडीओ के ऑफिस में कि 5 एकड़ में खेती हुई है, पटवारी नाप के ले जाएगा, आपको 5 एकड़ का देना है, तो वो जमीन बेच के देगा। शुरुआती दौर में क्या होगा, महाजनों के पास जाएगा, उनसे पैसा लेगा। महाजनों को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून नहीं है, ठीक है? आप अंदाज अंदाज लगाइए कितना लेता होगा महाजन। आपने अगर मान लीजिए 100 रुपया उससे लिया, तो आपसे कितना इंटरेस्ट लेगा वो? ज्यादा से ज्यादा 300% आम था, सोचो देगा कहां से? 300% आम था, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। उसके पास क्योंकि कोई रास्ता नहीं है, वो हर हाल में लेगा। अब तुम सोचो, तीन वो मूल चुकाना तो दूर, एक समय ऐसा है वो सूद भी नहीं चुका पाएगा, वो इतनी तेजी में बढ़ता है, ठीक है ना? तो फिर किसान कहां से निकल के कहां गई? महाजन के हाथ में। तो ग्रामीण क्षेत्रों में या जो कस्बाई क्षेत्र हैं, उसमें देखोगे महाजनों के हाथ में ही जमीन जा रही है। मदर इंडिया फिल्म, भारत की आइकॉनिक फिल्म, किस पे आधारित थी? यही, महाजन के हाथ में अनाज चला जा रहा है, महाजन का सूद चुकाना है। हैं, वहां पे कारण क्या दिखाया है कि अपने बेटे की शादी करने के लिए महाजन से उसने सूद पे पैसा लिया, पर वो इतना हेवी होता था कि पूरा सोचो 75% अनाज सूद में जा रहा है और 25 ही% उसके पास बच रहा है। सूदखोरी को रेगुलेट करने का कानून नहीं था। ये बाद में हम लोग भाई सब लॉन्ग टर्म लैंड मॉर्गेज बैंक और वगैरह वगैरह सब बना बना के ना, बहुत मुश्किल से इससे निजात पाए हैं। आप अंदाज नहीं लगा सकते हैं कि उस समय भारत के रुपये की कीमत, जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ है, भारत के रुपये की कीमत का अंदाज बताओ तो हमें, डॉलर से तुलना करके, 1 रुपये का कीमत और 1 डॉलर, माने डॉलर ज्यादा था कि रुपया ज्यादा था, अंदाज लगा के बताओ कितना होगा ज्यादा? अगर ज्यादा होगा तो कितना होगा, कल्पना भी नहीं कर सकते बच्चों। 1 रुपया बराबर 300 डॉलर होता था, यू कैन नॉट इमेजिन। शुद्ध गोल्ड होता था ये रुपया, इतनी विकास के बाद भी अभी वो आधा भी नहीं पहुंचे हैं। और अभी ब्रिटेन है क्या, भूखा नंगा स्टेट, यहीं के पैसा लूट लूट के अमीर बन गए।
दिया है, बदले में बहुत कुछ दिया है। हम लोग तो अपने जातियों में और क्षेत्र में और धर्म में बिखरे पड़े थे, दिया तो बहुत कुछ है। अभी यूक्रेन वार में 4-6 महीने पहले पुतिन ने बोला था ना, ब्रिटेन अमीर इसलिए बना क्योंकि भारत को लूटा है, हमने कभी नहीं लूटा है।